स्त्री की वजाइना क्या किसी पुरुष के लिंग को होल्ड करके रख सकती है, उसे पकड़ के रख सकती है, उसे फंसा के रख सकती है? एक पुरुष तो फिर भी अपनी चड्डी के अंदर बिना हड्डी का लिंग और मुंह में जीभ लेकर बैठा है, जबकि जो स्त्री है ना उसके पास 16 अंग अस्थि विहीन है जिससे उसकी हस्ती बनी हुई है। उसे आप कम मत समझिए। भले वो औरत अपने आप को कम समझे लेकिन आप उसकी क्षमता को कम मत समझिए। और वो अपने आप को कम भी इसी वजह से समझती है क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या चीज लेकर बैठी है। अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी विशेषता से तो वो परिचित ही नहीं है। दो सुडोल स्तनों से माला माल है। युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उसके स्तनों पे जाके उसकी नजर रुक जाती है। कोई पुरुष उसके विशेष अंगों को देखकर काम विलासता से भर जाता है। और इस चीज को महसूस करके एक स्त्री मंडली में बैठ के उन्हीं मर्दों की बुराई भी करती है लेकिन मजबूर भी है। क्या करे, आखिर मोहब्बत भी तो उन्हीं मर्दों से करनी है, किन्नर से तो करनी नहीं है। अब रह गई बात कि किसी स्त्री की वजाइना पुरुष के पीनस को होल्ड करने का दम रखती है। वह 3-3.5 किलो का बच्चे का वजन संभालती है और मटर की दाने की तरह अपने अंदर से निकाल देती है। खुद सोचिए वो कितनी पावरफुल होगी। उसका अंदाजा उस स्त्री को खुद में नहीं है, वो बस अपनी इस कैपेबिलिटी को इसी चीज से रिलेट कर पाती है कि हाँ यार बच्चा पैदा करना और ये तो हर दुनिया की औरत कर ही लेती है, उसमें पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है, तो मैं भी कर ही लूंगी। लेकिन वो उसके अंदर की जो पावर है, जो ऊपर वाले ने उसे दी, उसे आज तक अंदाजा नहीं है। तो यस, स्त्री की वजाइना में इतनी पावर होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी पीनस को होल्ड कर सकती है, उसे पकड़ सकती है, फंसा सकती है, उसको फ्रैक्चर तक कर सकती है। लेकिन ये ताकत किसी स्त्री के अंदर उम्र भर नहीं रहती। इस ताकत, इस क्षमता को बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है, कीगल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अपने खान पीन पे ध्यान देना पड़ता है और अपने आप को बीमारियों से दूर रखना पड़ता है और साथ ही साथ तनाव रहित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस तरह का जीवन व्यतीत करना है, ये हर किसी स्त्री के बस की बात नहीं। 2-2 मिनट में तो वो चिल्लाने लग जाती है, आपका गोला बन जाती है, 35 साल तक आते आते बीमारियों से घिर जाती है। कहाँ है तनाव रहित जीवन उसका? हाइपोथायराइड से ग्रसित है कि वजाइना लूज हो गई है, खुलकर गेट ऑफ इंडिया बन गई है, पूरी बॉडी उसकी लूज हो गई है, वजाइना के खाक टाइट होगी। तो इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की जो सिचुएशन किसी स्त्री के साथ है, तो वहां पे आपको लगता है कि हमें ये बात करनी भी चाहिए कि वजाइना कितना होल्ड कर सकती है, कितनी पावरफुल है। आज के परिवेश में जो इस तरह का एनवायरनमेंट है, बीमारियों से घिरा हुआ, पानी से लेके खाना तक प्रदूषित हो चुका है, तो स्टेमिना जो क्षमता है ये आपको किसी स्पोर्टी नेचर की महिला के अंदर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान देगी, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देगी, अपनी वेलनेस को मेंटेन करेगी और भी बहुत सी चीजें। आप किसी साधारण औरत से इस तरह की चीजों की उम्मीद मत कीजिए। पहली बात तो उसे खुद में नहीं पता होता, वो खुद इन चीजों को लेकर परिचित नहीं होती कि वो कितनी कैपेबल, कितनी क्षमता रखती है। और सच कहूं तो अगर किसी फीमेल को अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी का पता लग भी जाए तो उसे क्या कौन से जंग जीतनी है उसे अपने मेल पार्टनर के साथ, तो उसे तो नीचे ही आना है। मतलब ऐसा क्या करना है उसे ये जानकर भी? तो ये भी एक रीजन है कि वो फेमिनिन माइंडसेट की है। क्या करेगी वो उसके बाद, करेगी क्या? जानकर भी क्या करेगी? उसमें से बच्चे ही पैदा करने हैं।